हो गया है। बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। गुरुग्राम में डेंगू के मामलों का आंकड़ा 60 के पार पहुंच गया है। फरीदाबाद में डेंगू के 15 एक्टिव केसेस हैं। सरकारी अस्पताल में डेंगू के फ्री टेस्ट की व्यवस्था। निजी अस्पतालों को 600 रुपए में टेस्ट करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो डेंगू का प्रकोप जो है वो बढ़ रहा है और ऐसे में सरकारी अस्पतालों में तो फ्री टेस्ट की व्यवस्था की है, लेकिन अगर प्राइवेट अस्पताल में आप टेस्ट करवाते हैं तो 600 रुपए उसके लिए आपको देने पड़ेंगे। घरों में लार्वा मिलने पर स्वास्थ्य विभाग जो है वो एक्शन ले रहा है, नोटिस दे रहा है जिनके घरों में लार्वा मिल रहा है। लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। देखिए, घरों में गंदगी ना रखें या फिर आपके घर के बाहर भी अगर पानी इकट्ठा होता है तो उसे साफ करवाएं समय रहते, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है वो गंदे पानी में ही पनपता है। तो हरियाणा में जिस तरह से डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए विभाग की तरफ से भी दिशा निर्देश जो है दिए गए हैं, लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। अब देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी संजय राठौर मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले तो आप अपडेट बताइए, हरियाणा में डेंगू के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं अभी कुल कितने मामले सामने आए हैं, और फिर ये भी बताइए कि उसके लिए प्रयास क्या कुछ किए जा रहे हैं, भले ही स्वास्थ्य विभाग हो या साफ सफाई को लेकर नगर निगम की ही बात क्यों ना की जाए। जी बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बताना चाहूंगा, गुरुग्राम के साथ साथ पूरे हरियाणा में अब डेंगू का जो डंक है वो सताने लगा है और इससे मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल जहाँ डेंगू वार्ड बनाए गए हैं। अलग से ही तमाम जो लोग हैं वो उसके लिए यहाँ पर एक आरक्षित जो स्पेस है, जो बेड है वो लगाए गए हैं। करीबन 35 बेडों की जो व्यवस्था है गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल में बनाई गई है। कोई भी डेंगू का यदि मरीज आता है तो उसको यहाँ पर एडमिट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एहतियातन तौर पर अब लगातार स्वास्थ्य विभाग भी धरातल पर उतरकर कार्य करता नजर आ रहा है और साथ ही साथ गुरुग्राम नगर निगम की मैं बात करूं तो वो भी लगातार अब कहीं ना कहीं फोगिंग जो गुरुग्राम शहर के अलग अलग जो इलाके हैं उसमें किया जा रहा है। गुरुग्राम को चार जोन में रखा गया है और चारों जोन के अंदर अलग अलग जो टीमें हैं वो गठित की गई और उस टीम के मार्फत वो चाहे फोगिंग हो या फिर जो डेंगू की दवाई है उसका छिड़काव की बात करूं वो की जा रही है। और दूसरी तरफ मैं बात करूं जिन घरों में जो डेंगू का लार्वा पाया जा रहा है उनको शासन के द्वारा एक नोटिस भी सर्व किया जा रहा है, क्योंकि लापरवाही जो लोग बरत रहे हैं उनके खिलाफ भी अब कहीं ना कहीं सख्ती में जो प्रशासन है वो नजर आ रहा है और तमाम जो डॉक्टरों की टीम है लगातार यहां कार्यरत है और ऐसे में जिस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरों में भी